आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही झटपट और लाजवाब टेस्ट वाली बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। भरमा करेले बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे करेले, जिनको हमने पहले धो लिया है और सुखा लिया है काफ़ी अच्छे से, और इनके किनारे दोनों साइड से कट कर लिए हैं। उसके बाद इनका पूरा छिलका हम हटा लेंगे इस तरीके से, और छिलके को हमने फेंकना नहीं है, इसको हम इसके अंदर की फिलिंग में यूज़ करेंगे। करेले का छिलका हटा लेने के बाद इस तरीके से हमने उसके अंदर चीरा लगाना है एक साइड से, और इस तरीके से चीरा लगाने के बाद इसके अंदर के जो भी बीज है ना, वो भी हमने ऐसे चम्मच की हेल्प से सारे बाहर निकाल देने हैं। इनको भी हमने फेंकना नहीं है, अगर ये पके हुए बीज नहीं है तो इनको भी हम अपने करेले की फिलिंग में यूज़ करेंगे। जैसे हमने इस करेले को किया है अंदर से खाली और ऊपर से पूरा क्लीन, इसका कवर हटा के, इसकी एक लेयर हटा के, उसी तरीके से हम बाकी करेले को भी सेम प्रोसेस उनके साथ भी करेंगे। ऊपर से पील करेंगे उनका छिलका, और उसको अंदर जो उसके भी बीज हैं वो सारे निकाल के एक साइड इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद हमने इनको अच्छे से साफ़ करके और नमक लगा के रख देना है थोड़ी देर के लिए। एक चम्मच नमक जो अंदर की स्टफिंग भरेंगे ना उसके अंदर डाल रही हूँ, और एक चम्मच नमक जो करेले हैं मैंने चीर के ऐसे अलग करके रखे हैं उनके अंदर रख ले रही हूँ। पूरा अच्छे से ऊपर से और अंदर से दोनों तरफ से नमक लगा के रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद कर ले रही हूँ अपनी स्टफिंग की तैयारी जो करेले के अंदर जाएगी। 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने करेले को धो लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसके बाद सुखा के फिर उसके बाद मैं इनको यहाँ पर फ्राई कर ले रही हूँ। चलाते हुए तलेंगे करेलों को ताकि ये लगे ना या जले ना ज़्यादा, और सारी साइड से अच्छे से पक जाएं। तीन से चार मिनट लगेंगे करेलों को अच्छे से सिकने में, और ये सारी साइड से अच्छे से सिक जाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद जब हमारे करेले सिक चुके होंगे, मैं इनको निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, और उसके बाद इस कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा उसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। सिर्फ इस पैन के अंदर उतना तेल रखना है जिसके अंदर हमारे करेले की जो स्टफिंग है उसको हम रेडी कर सकें, क्योंकि अगर हम इतने सारे तेल में ही यहाँ पर करेले की स्टफिंग तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा हमारे करेलों में, जो कि खाने में उसके टेस्ट को आप करेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल है मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ अलग बर्तन में, और जितना मुझे तड़के के लिए ऑयल चाहिए बस इतना ही इस पैन में छोड़ूंगी, और इसके बाद करेंगे हमने इसके स्टफिंग की तैयारी। तो इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच जीरा, 2 बड़े साइज के प्याज जिनको मैंने मिक्सी में पीस के रख लिया था वो यहाँ डाल रही हूँ। अच्छे से चलाते हुए सेकूंगी इनको 3 से 4 मिनट के लिए। तीन से चार मिनट सेक लेने के बाद मैं इसमें अपने स्टफिंग के बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी और स्टफिंग को तैयार करूंगी। करेले को जो मैंने पहले छिलका निकाल के रखा था और जो बीज अलग करके रखे थे नमक लगाने के बाद, उनको मैं पानी से अच्छे से वॉश करके और मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लूँगी, और उसको यहाँ पे प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने के बाद यहाँ पे ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे हमारे मसाले। मसाले में मैं ऐड करूँगी हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1 टेबल स्पून से, और नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। मसालों को चलाते हुए पका लेंगे अपनी स्टफिंग के साथ, और जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे, थोड़ा तेल छोड़ने लगेंगे, उसी टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा सौंफ, बिल्कुल साबुत सौंफ जो होता है वो, यहाँ पे पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ, साबुत सौंफ यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच, और यहाँ पे कच्ची कैरी को मैंने ग्रेट करके रख लिया था वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो इसकी जगह अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कच्ची कैरी से जो कड़वे करेले होते हैं ना, या करेलों का जो कड़वापन होता है वो पूरा अच्छे से ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कच्ची कैरी को यूज़ कर रही हूँ। और जब तक हमारा मसाला पकाएँगे, जब तक कि ये कलर ना चेंज कर ले और मसाला तेल ना छोड़ दे।
एक चम्मच अचार का मसाला यहाँ पे यूज़ कर ले रही हूँ, जिससे कि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। आप किसी भी अचार का मसाला यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने आम के अचार का या फिर मिर्च के अचार का या नींबू का यूज़ करना है। आप कोई भी मसाला हो, बस अचार का मसाला होना चाहिए, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मैंने अचार के मसाले को पका लिया है अपनी स्टफिंग के साथ और गैस ऑफ कर दिया है। अब हम इसको भर लेंगे अपने करेले के अंदर, थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको भर ले रही हूँ और थोड़ा सा इसको हाथ से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये जो स्टफिंग है जो हमने अंदर फिल की है इसके, ये बाहर ना निकले। हाथ से इस तरीके से दबा देना है ताकि वो उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इसी तरीके से सारे करेले के अंदर हम अपनी स्टफिंग भर देंगे। ऑलमोस्ट सारे करेलों में हमने स्टफिंग भर ली है और इसके बाद चलेंगे हम अपने फाइनल प्रोसेस की तरफ। जो हमने ऑयल बचा के रखा था ना पहले, जब हमने करेले फ्राई किए थे उसमें से जो ऑयल बचा था, वो ऑयल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और हल्का सा गर्म करूँगी इस ऑयल को। और उसके बाद जो हमने एक प्याज लेनी है और उसको ऐसे लंबे लंबे स्लाइस से कट कर लेना है और बस इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक, बस थोड़ा सा ट्रांसलूशन हो जाए ना, उतना इसको पकाएंगे। और इसके बाद साथ साथ इसके अंदर रख लेंगे हमने अपनी स्टफिंग वाले जो करेले थे, वो 3 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। आप चाहो खुला पका सकते हो, आप चाहो इसको ढक सकते हो। मैं हल्का सा एक बार चलाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए इसको ढकूंगी और बस 3 से 4 मिनट पूरा प्रोसेस लगता है इसका स्टफिंग भर देने के बाद। और करेले हमारे बन के रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे बताना ज़रूर। करेले हमारे पक चुके हैं 3 से 4 मिनट बाद इस तरीके से, और उस टाइम पे हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और करेलों को निकाल लेंगे किसी और बर्तन में, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अगर इसी में छोड़ते हैं तो ये एक जगह से ज़्यादा सिक जाएंगे, तो इनको मैं किसी और बर्तन में निकाल ले रही हूँ और उसके बाद हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स, इस तरह की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।